तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो में आंसर मिल जाएंगे दैट व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ पीएफ अमाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। सेकंड, जो न्यू नोटिफिकेशन आई है जो बात करती है रिगार्डिंग रिलीफ ऑफ 24% कॉन्ट्रीब्यूशन, उस रिलीफ को कैसे अवेल करना है एम्प्लॉयर को, मतलब कि एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ डिडक्ट ना किया जाए। सेकंड, एम्प्लॉयर को अपनी पॉकेट से भी कॉन्ट्रीब्यूशन ना पे करना पड़े 3 मंथ के लिए, मार्च अप्रैल और मई, इसको कैसे अवेल करना है। एंड लास्ट, आई विल कवर सम इम्पोर्टेंट FAQs जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट गाइज, अगर आपको अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ करना है विद द रीजन COVID-19 एंड बाय फाइलिंग फॉर्म एडवांस फॉर्म 31, तो वो वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हो। बिकॉज जो आपके सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरे कजन का पीएफ का अकाउंट है। इसने पीएफ क्लेम को सबमिट किया था 5 अप्रैल को और फील्ड ऑफिस में सेंड हुआ था 6 अप्रैल को। ऑल्दो एज पर रूल जो पीएफ ने बताया कि 72 आवर्स में क्लेम सेटल्ड होता है, वो तो नहीं हुआ, बट 13 अप्रैल को इसके अकाउंट में पैसा आ गया था विदाउट एनी TDS डिडक्शन, कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ था और पूरा अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। वीडियो आई बटन पे लिंक है, आप देख लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। ये नोटिफिकेशन है पीएफ की 15 अप्रैल को इशू हुई है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पब्लिक इंस्पेक्शन चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ड्यू डेट जो 15 अप्रैल थी इंक्रीज करके कर दिया 15 मई। बात नोट करने वाली क्या है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एम्प्लॉयर्स हु सीक टू अवेल द अबव रिलीफ, मतलब ये जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, दे नीड टू फाइल ECR इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फॉर वेज मंथ मार्च 2020 ऑन और बिफोर 15 मई, ड्यूली सर्टिफाइंग द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज बाय डिक्लेयरिंग एक्चुअल डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस फॉर मार्च 2020 मंथ इन द कॉलम सैलरी डिसबर्सल डेट इन द चलान। ये क्या इंश्योर करवा रहा है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को मार्च मंथ की सैलरी एक्चुअल में डिक्लेयर की हो और उसकी आप डेट डिक्लेयर करोगे सैलरी डिसबर्सल डेट के कॉलम में, इंश्योर करवा रहा है कि आपको तभी ये रिलीफ मिल रहा है। सो नाउ विल कवर हाउ टू अवेल दैट 24% रिलीफ। तो नोटिफिकेशन आई थी वो मैं आई बटन पे लिंक करूंगा। क्या कंडीशन थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम एम्प्लॉयज होने चाहिए 100, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एक भी। सेकंड, कम से कम 90% एम्प्लॉयज की मंथली वेजेस 15,000 से कम होनी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो 24% रिलीफ का। अब ये कैसे रिलीफ लोगे, इन केस एन एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एलिजिबल, जैसे मैंने आपको बताया, द ECR स्क्रीन द इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न स्क्रीन विल आस्क द एम्प्लॉयर टू सबमिट अ डिक्लेरेशन, आपसे पूछा जाएगा। बिफोर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन ECR फाइलिंग विल नॉट बी परमिटेड, एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करना होगा कि उसके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं और कितने एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से कम है। ये इसलिए इंश्योर किया जा रहा है चेक करने के लिए क्या 90% की कम से कम एम्प्लॉयज की सैलरी मतलब मंथली वेजेस 15,000 से कम होनी चाहिए, उसके बाद ही इसका रिलीफ दिया जाएगा एम्प्लॉयर को। प्लीज नोट, डिक्लेरेशन वंस सबमिटेड फॉर अ मंथ, जो आप ऑनलाइन जाकर पीएफ के अकाउंट में जाकर देखोगे, वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड, और ये डिक्लेरेशन आपको तीनों मंथ के लिए सेपरेटली देने पड़ेंगे, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए और मई के लिए। आफ्टर अ डिक्लेरेशन इज सबमिटेड देयर इज नो चेंज इन द ECR फाइलिंग प्रोसेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट दैट हैव एग्रीड विद द डिक्लेरेशन द सिस्टम डज द फॉलोइंग, मतलब वो वैलिडेशन करेगा और चेक करेगा कि आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, क्या मैक्सिमम 100 ही है। सेकेंड, कि क्या 90% की सैलरी कम से कम 15,000 से कम है। और UAN वाइज वैलिडेशन कैसे करेगा, सपोज करो किसी की वेजेस हैं 10,000, तो 12% का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना बनता है 1200, बट एम्प्लॉयर कितना लिख रहा है 1200 की जगह 1210, बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है कि मैं 12% कंट्रीब्यूशन बियर करूंगी। मैंने जैसे वीडियो में भी बताया था लास्ट, कि अगर कोई एम्प्लॉयर 12% ज्यादा जमा कर रहा है तो 12% तो गवर्नमेंट देगी, उसके ऊपर वाला गवर्नमेंट नहीं देगी। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, सिस्टम विल कैलकुलेट द मैक्सिमम ड्यूज एंड इफ अमाउंट पेड इज मोर इट विल नॉट अलाउ बेनिफिट, आपको 12% ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। इन केस द UAN इज नॉट वैलिडेटेड अगेंस्ट आधार सिस्टम विल नॉट गिव द बेनिफिट। गाइस नाउ विल कवर सम इंपॉर्टेंट FAQs, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन, आर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ अंडर दिस स्कीम, मतलब 24% वाली रिलीफ। ध्यान से समझना, एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट आप कब होंगे, जब आपके एम्प्लॉइज मैक्सिमम 100 होंगे। सेकेंड, 100 में से कम 90% एम्प्लॉयज की वेजेस मंथली वेजेस 15,000 से कम होगी।
फॉर एग्जाम्पल 30 एम्प्लॉइज है, 90% करो, कितना है 27, 27 की मंथली वेजेज है 15,000 से कम, तो आप एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट हो। नाउ द क्वेश्चन कम कि ये बेनिफिट, ये 24% का रिलीफ 27 के लिए दिया जाएगा या 30 के लिए, मतलब 27 के लिए दिया जाएगा या वो जो तीन बाकी बचे हैं उनके लिए भी दिया जाएगा। तो आंसर इज ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट जमा करवा रही है 12% इंप्लॉयर का और 12% इंप्लॉय का, ये सिर्फ 27 का करवाएगी, 27 का करवाएगी, 3 का एम्प्लॉयर खुद जमा करेगा, 3 का एम्प्लॉयर खुद करेगा। एंड सेकंड, जो इंश्योरेंस के चार्जेस है और एडमिन चार्जेस है पूरे 30 एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से जमा करवाएगा। कंक्लूड करता हूं, पूरे 30 एम्प्लॉयज की एडमिन चार्जेस एम्प्लॉयर खुद जमा करेगा, 27 एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, 3 एम्प्लॉयज का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन तो जमा करवाएगा ही एम्प्लॉयर, और जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो तो सबके ही करवाने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, फॉर एन एम्प्लॉई टू बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स, एम्प्लॉई शुड बी एम्प्लॉयड इन एन एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट अर्निंग मंथली वेजेस ऑफ लेस देन ₹15,000 एंड इज यूएएन शुड बी सीडेड विद हिज पब्लिक हर आधार, एम्प्लॉई शुड बी अ मेंबर ऑफ ईपीएफ स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होने चाहिए किसी भी पीरियड के ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ September 19 से Feb 2020 इन द चलान जो एम्प्लॉयर ने फाइल किया था। इस चीज से ये क्या इंश्योर करवा रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉई मार्च के मंथ में आया क्या उसको इसका स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, तो आंसर इज नो, बिकॉज ये उनके लिए बेनिफिट दिया जा रहा है जिनका लास्ट 6 मंथ में कभी कॉन्ट्रीब्यूशन आया था ईसीआर चलान के थ्रू, उसको एलिजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ, 12% एम्प्लॉय का शेयर और 12% एम्प्लॉयर का शेयर फॉर 3 मंथ। हाउ एन एम्प्लॉयर ऑफ एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट इज बेनिफिट बाय दिस स्कीम, दिस इज एन इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस टू रिटेन ऑल हिज एम्प्लॉयज एंड पे देम वेजेस, कैन यू इलस्ट्रेट द मॉनेटरी बेनिफिट, सपोज इफ मंथली वेजेस आर 10,000 ऑफ एन एम्प्लॉय तो इसका 12% शेयर 1200 एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। फर्दर इन द अबव केस एम्प्लॉयर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1200 फ्रॉम हिज पॉकेट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बियर करेगी। क्वेश्चन 13 ध्यान से पढ़ना, जो मैंने आपको डिस्कस भी किया, सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बियर द एंटायर लायबिलिटी, तो नो, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बियर द एंटायर लायबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉयज, मतलब अगर 30 का एम्प्लॉय से एग्जाम्पल था तो 27 एम्प्लॉयज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी कौन सा शेयर, पीएफ का, पेंशन का, नॉट इंश्योरेंस और नॉट एडमिन चार्जेस, वो एम्प्लॉयर खुद बियर करेगा हर एम्प्लॉयज का। द एम्प्लॉयर ऑफ एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट शैल कंटिन्यू टू पे द ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन एंड ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज इरिस्पेक्टिव कि आप एलिजिबल हो या इनएलिजिबल हो, एंड एज वेल एज एम्प्लॉयर क्या जमा करवाएगा, ईपीएफ एंड ईपीएस प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इन एलिजिबल इंप्लॉयज, मतलब वो 3 इंप्लॉयज का। नेक्स्ट, इज द एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू फाइल सेपरेट ईसीआर फॉर द एलिजिबल इंप्लॉयज, मतलब कि क्या चलान एक बनाया जाए 30 इंप्लॉयज के लिए या 27 इंप्लॉयज के लिए अलग और 3 इंप्लॉयज के लिए अलग। सो आंसर इज ईच एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट हैज टू फाइल ओनली 1 वैलिड ईसीआर फॉर ईच ऑफ 3 मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टोटल इंप्लॉय बोथ एलिजिबल एज वेल एज इनएलिजिबल, 3 मंथ मतलब मार्च अप्रैल और मई। इज द एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू फाइल एनी अदर इंफॉर्मेशन अदर देन ईसीआर, द फॉर्म 5A ओनरशिप रिटर्न शुड कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल्सो कोड नंबर इफ एनी टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस फॉर द ब्रांचेस, एम्प्लॉयर कैन अपडेट फॉर्म 5A ऑनलाइन यूजिंग हिज डीएससी। ये इंपॉर्टेंट है, वेदर द कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट हैज टू बी इनिशियली पेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट एंड देयर आफ्टर रीइंबर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वंस ईसीआर इज अपलोडेड बाय एन एम्प्लॉयर ऑफ एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट द चलान विल सेपरेटली शो सच अमाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ ड्यू अंडर दिस स्कीम, मतलब एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए, एंड द रिमेनिंग अमाउंट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। अब बेनिफिट कैसे मिलेगा, वंस द एम्प्लॉयर रेमिट द पेमेंट ड्यू फ्रॉम हिम एज रिफ्लेक्टेड इन चलान एज नोटेड अबव,
मतलब इन एलिजिबल इंप्लॉइज के लिए, एंड सेकंड इंश्योरेंस और एडमिन चार्जेस फॉर ऑल इंप्लॉइज, इंप्लॉयर करेगा तब उसके बाद जाके बेनिफिट मिलेगा। ईपीएफ एंड ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इंप्लॉइज विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली इन देयर रिस्पेक्टिव यूएएन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सभी चेंजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।